i chick, the chick, the chick, हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रिया टी आई चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया फ्रेंड्स आज इस वीडियो में मैं आप सबके साथ में मेरी फेवरेट ई 400 विटामिन ई e कैप्सूल के पांच ऐसे यूजेस शेयर करूंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में शामिल करके अपनी ब्यूटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं वैसे इससे भी पहले मैंने कई वीडियो स्किन एंड हेयर्स के लिए ई वी ऑन फोर हंड्रेड ई कैप्सूल को यूज करके बनाया है तो अगर आपने अभी तक तो उन वीडियोज को चेक नहीं किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है आप चाहे तो चेक कर सकते हैं तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आर टाइम इस वीडियो को शुरू करता है लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन क्लिक कीजिए मेरे फ्यूचर वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए और ये बिल्कुल फ्री है। फर्स्ट यूज है स्ट्रेच मार्क्स रिमूवल क्रीम ये मेरी पर्सनल फेवरेट डी आई स्ट्रेच मार्क्स रिमूवल क्रीम्स में से एक है इसके लिए एक बोल में एक स्पून इस एक विटामिन ई e कैप्सूल को तोड़ के एड कर ले इसे आप ज्यादा क्वांटिटी में भी बनाकर रख सकते हैं अब मिक्स करने के बाद इसे अपने स्ट्रेच मार्क्स पे डेली दिन में दो बार और रात को सोने से पहले एक बार लगा के जेंटली सर्कुलर मोशन में स्ट्रेच मार्क्स पे मसाज करें और दो से तीन घंटों बाद गुनगुने पानी से उस बॉडी पार्ट को वॉश कर ले इसके रेगुलर यूज के कुछ ही हफ्तों में आप अपने वेट गेन वेट लॉस या प्रेगनेंसी की वजह से हुए अगले स्ट्रेच मार्क्स को फेड होते हुए देख पाएंगे सेकेंड यूज है एज अ फेस टोनर फेस वॉश के बाद टोनर लगाना कितना इंपॉर्टेंट है वो तो आपको पता ही होगा टोन स्किन के पी लेवल को बैलेंस करता है साथ ही ऑयली स्किन वालों को जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है वो भी क्योर करता है विटामिन ई e से टोनर बनाने के लिए एक एम्प्टी स्प्रे बॉटल में अपना फेवरेट रोज वाटर एड करें फिर इसमें एक टी ग्लिसरीन एड करें और लास्ट में एक से दो विटामिन ई कैप्सूल को तोड़ के ऐड कर लें और इसे अच्छे से शेक करके इसे डेली दिन में दो से तीन बार फेस वॉश करने के बाद अपने फेस पे स्प्रे करें और इसे नेचुरली ड्राई होने दें एक मेकअप सेटिंग स्प्रे की तरह भी काम करता है तो आप इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं थर्ड यूज है एज एन नेल ग्रोथ सिरम चीपेस्ट एंड ईजीएस्ट नेल ग्रोथ सिरम्स में से एक है ये को ग्रो होने में तो हेल्प करता ही है साथ ही उन्हें स्ट्रोंग करता है जिससे वो जल्दी ब्रेक भी नहीं होते इसके लिए आपको बस एक विटामिन ई कैप्सूल को रात को सोने से पहले कुछ इस तरह से तोड़ के अपने नेल्स पे डॉट डॉट करके लगाना है जिस तरह मैं लगा रही हूँ और फिर तीन से पांच मिनट के लिए मसाज करके कर पाएंगे फोर्थ यूज है एज एंटी एजिंग मास्क जब हमारी स्किन में एजिंग साइंस आने लगते हैं तब स्किन डल रिंकल्ड या सैगी हो जाती है और ऐसे वक्त में वाइटामिन ई स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ा के स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन कहता है जिससे फाइन लाइंस और wrinkles कम होते हैं तो इसके यूज के लिए आप एक बोल में दो विटामिन ई e कैप्सूल को तोड़ के ले लें और उसमें ऐड करें एक स्पून शहद और हाफ 2 टीस्पून लेमन जूस इस मिक्सचर को आप हफ्ते में तीन से चार बार लगा के पंद्रह मिनट तक रहने दें और फिर वॉश कर ले अगर इसे आप कुछ दिनों के लिए रेगुलरली यूज करते हैं तो कुछ ही वीक्स में आप अपने स्किन में विजिबल चेंज नोटिस कर पाएंगे इसका फिफ्थ एंड लास्ट यूज है एज ए नाइट क्रीम इसके लिए एक बोल में एक से दो विटामिन ई e कैप्सूल का ऑयल निकाल लें अब उसमें हाफ टी स्पून स्वीट आलमंड ऑयल ऐड करें और हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल ऐड करें अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसका आपको थिन लेयर अपने फेस पे लगा के एक से दो मिनट तक मसाज करना है और ओवरनाइट लगा रहने देना है इसका रेगुलर यूज करेंगे तो आपकी स्किन से पिंपल मार्क्स टैनिंग या अन इवन स्किन टोन हटके स्किन सॉफ्ट एंड क्लियर होगी बस ध्यान रहे कि इसे डेली यूज़ नहीं करना है नहीं तो आपको पिम्पल्स हो सकते हैं इसे आप हफ्ते में हर ऑल्टरनेट डे या फिर वीक में दो से तीन दिन यूज कर सकते हैं सो so, ये थे मेरे आज के पांच सिंपल एंड इफेक्टिव विटामिन ई के यूजेस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूले और इस वीडियो रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली और सोशल मीडिया पे शेयर करके मेरी चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जिससे मेरा एक भी वीडियो आप मिस ना करें <laughs>